गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब इस मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सी कहानी को शुरू करते हैं। मैं पुष्पा, मैं एक किराए के घर पर रेंट पर रहती हूँ। मेरे पति कामकाजी इंसान हैं और काम के सिलसिले पे अक्सर व्यस्त रहते हैं। अब उन्हें मेरे साथ बात करने की फुर्सत तो होती नहीं। ऐसे में अक्सर मैं अपने पड़ोस के दोस्त बनाई हूँ बहुत सारी, जो मेरी सहेलियाँ, मैं उनसे अक्सर बात करती रहती हूँ। तो हम एक फ्लैट में रहते हैं। इस फ्लैट में 3-4 मेरी दोस्त है और एक इस फ्लैट की मकान मालकिन है, जो कि इस पूरे फ्लैट की ओनर है। उनके पास अच्छे पैसे के तो हैं, लेकिन बेचारी उसके पति हमेशा बाहर ही रहते हैं। अब मुझे पता है कि पति ना रहने पे कैसा फीलिंग आता है, क्योंकि मैं भी अपने पति से अलग रह चुकी हूँ कई महीनों के लिए, जब मेरी नई नई शादी हुई थी। और मेरे पति के साथ यहाँ ना आकर मैं अपने पति के, मतलब मेरे ससुराल में रही थी। उस वक्त मुझे पता था। खैर कुछ दिन का बात था तो मैं वेट कर लेती, लेकिन यहाँ इनके साथ तो कुछ और ही बात है। इनके पति व्यापार के सिलसिले पे व्यस्त रहते हैं, अक्सर शहर से बाहर, क्या इस देश से बाहर रहते हैं। और ऐसे में पुष्पा मैं अक्सर देखती हूँ उसके घर पे बहुत सारी पार्टीज़ होते रहती हैं। पहले पहले तो हम ये सोचते थे कि ये सब नॉर्मल सी पार्टी है, लेकिन एक दिन तो मेरे होश ही उड़ गए। दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि उस दिन मैं पुष्पा के जो फ्लैट है उसके जस्ट थोड़ा सा बगल वाले फ्लैट में मेरी एक दोस्त के पास गई थी उसके कमरे पे। मतलब उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि हम दोनों बालकनी में आए। बालकनी से आकर उसके फ्लैट से पुष्पा के फ्लैट का बालकनी साफ दिखाई देता है। हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर पार्टी हो रही। उस वक्त शाम के करीब 6 बज रहे थे। मेरे पति रात के 9 बजे आते हैं और घर पर मैं और मेरे पति के सिवाय कोई है नहीं, तो इसी वजह से मैं अक्सर अपनी फ्रेंड के फ्लैट पे आती रहती हूँ। उस दिन भी कुछ यूँ ही हुआ। मैं उस दिन उसके फ्लैट में आई थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी पार्टीज हो रही हैं। मुझे ये बात थोड़ी अटपटी सी लगी। मैंने सोचा कि कौन कौन है देखती हूँ। हम दोनों उसके बालकनी में अपनी निगाहें ठहरा के देखने लगे। अब गलती हमारी भी थी, हमें पता था कि किसी और के घर पे देखना नहीं चाहिए, लेकिन हम भी फ्री रहने वाले इंसान, हमें तो बात करने का बहाना चाहिए, टॉपिक चाहिए बात करने का, इसीलिए हम उसके फ्लैट में देख रहे थे। ऐसे ही थोड़ी देर बाद हमने देखा कि उस फ्लैट में एक हमारे इस फ्लैट में ही रहने वाला लड़का गया हुआ था। उस लड़के के बारे में बहुत सारी अफवाहें थी कि वो लड़का बिल्कुल सही नहीं है। उसे देखकर हमारा दिमाग खनका कि ये इनके फ्लैट में क्या कर रहा है। कुछ दिनों तक ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। हम अक्सर उसे फ्लैट में नोट करते। एक दफ़ा मैंने उस लड़के से पूछा जब उससे मुलाकात हुई। मैंने आज तक उससे बात नहीं की थी, लेकिन उस दिन हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी ये सारी बातें, तो मैंने जाकर उससे पूछ लिया कि क्या बात है, बहुत पार्टीज करते हो। इस पर जो उसने कहा, मेरे तो सुन के होश उड़ गए। उसने कहा, तो पार्टी करता हूँ तो क्या हो गया, अपने पैसे से करता हूँ जो भी करता हूँ। उसके बोलने का मतलब जो था, इससे हर एक चीज़ तो साफ था कि वो उस भाभी के घर तो जाता है, लेकिन बदले में पैसे देता है। हमें लगा कि उस भाभी को पैसे की क्या ही दिक्कत, लेकिन जब हमने सुना तो हमें लगा कि इस बारे में जानना चाहिए। उसके बाद हम और भी नज़र रखने लगे तो पता चला उनके घर पे तो अक्सर लोग आते रहते हैं और हर बार कोई नया आता है। हमने सोचा कि और भी पता लगाए, और जो जाना उससे तो मानो रोंगटे खड़े हो गए। खैर ये बात तो साफ थी वो कैसी हैं, लेकिन अब हमें उनसे ये बात जानना था। मैं और मेरी सहेलियां 2-4 हम लोगों ने उससे बात करने का फैसला किया।
उससे बात की तो पता चला कि वो अक्सर पहले उसे देख के तो लगता है कि वो बहुत अमीर है, लेकिन उसके पति शहर से बाहर रहते हैं। इस वजह से नहीं है कि काम के सिलसिले पे, इस वजह से कि उनका बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये सब बात पहले उसे पता नहीं थी, तो उसके पति का उससे बर्ताव बहुत अच्छा था। जिस दिन उसे पता चल गया, उसके पति से उसकी काफ़ी लड़ाई हुई, और उस दिन के बाद उसके पति उसे ना ही पैसे भेजते हैं ना ही प्यार करते हैं, अब अकेले। तब उसे लगा कि जब उसके पति भी कुछ करते हैं, कुछ भी गलत करते हैं, तो उनके लिए सब सही है, तो वो लड़की है तो क्या वो ये सब नहीं कर सकती। इसीलिए उसने ये सब काम करने का फैसला किया। अब उसे लगा पैसे की जब ज़रूरत है तो इनसे पैसे भी कमाने लगी। उसकी बात सुनकर हमें काफ़ी बुरा तो लगा, लेकिन हम कर क्या सकते थे, क्योंकि हमने भी तो यही सोचा था कि उसकी गलती है, लेकिन उसकी गलती थी नहीं। खैर, इस वजह से हमने यही सोचा कि उसकी लाइफ वो कुछ भी करे, लेकिन कभी कभी बहुत बुरा लगता उसके लिए। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। मैंने ये सारी बातें मेरे पति को भी बताई थी, मुझसे पेट में कोई बात हजम होती नहीं थी, सो मैंने मेरे पति को ये सारी बातें बता दी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मेरे पति को सब बात बताने के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो भी अगर पुष्पा पे चांस मारे तो पुष्पा उन्हें मिल जाएगी। दोस्तों, बुरा तो ये हो गया कि एक दो दफ़ा मैंने अपने पति के मोबाइल में पुष्पा का नंबर देख लिया। पहले तो मुझे शक होने लगा कि आखिर मैटर क्या है, लेकिन बाद में मेरा शक यकीन में बदलने लगा कि मेरे पति का उनके साथ अफेयर चल रहा है। खैर, अब मैं समझ चुकी थी कि मेरे पति का भी ऐसा ही बर्ताव है, लेकिन पुष्पा की तरह जो पुष्पा करती थी वो मैं कर नहीं सकती थी, और ना ही अपने पति को छोड़ जा सकती थी। कई दफ़ा मेरे पति से झगड़ा हुआ, बहुत कुछ हुआ, और फिर मैंने ये सारी बातें अपने ससुराल में बता दी, जिस वजह से मेरे ससुराल वाले मेरे पति को चिल्लाए, स्पेशली मेरी ननद जो मेरी बहुत सपोर्ट करती थी। उसने मेरे पति को समझाया और फिर मेरे पति का तबादला कर दिया। मेरे पति तबादला लेकर दूसरे शहर में आ गए, तब आकर मेरी जान में जान आई। लेकिन अब भी मुझे इस बात का डर है मेरे पति से कि जब उनका बर्ताव एक बार ऐसा हो सकता है तो दोबारा क्यों नहीं हो सकता। क्या पता, इस चीज़ से मुझे एक बात तो समझ में आ ही गई है कि किसी पे ज़्यादा विश्वास तो नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी मैंने आप लोगों से इसीलिए शेयर की मेरी ज़िंदगी की कि किसी पे भी आप ज़्यादा विश्वास ना करें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, तो इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।